बहुत मारी से बेकम्मा कद के मारी से उ न काम करे वाला है न धंधा करे वाला है ई क दी से बहुत किना से ई क के मारी से उ तो बेकम्मा बिया है काम करे वाला है न अब तो हमरे टू और तीन सवन है आँ हम कहाँ से खेबा कहाँ से पीबा कहाँ से का करेबा लोग सब कह इसकी पुलिस से मार दिया है सब जान है कि मार दिया पुलिस पुलिस मारा है। मिलर टाइम्स की टीम इस वक्त सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी में मौजूद है और पुपड़ी में जिस तरीके से कल जीआरपी पुलिस ने फुरकान को पिटाई किया था उसके बाद बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच में दाखिल कराया गया है। अभी जो है मिलर टाइम्स की टीम उनके घर पर मौजूद है। फुरकान के फुरकान का घर है गाढ़ा गांव है। गाढ़ा गांव में हम मौजूद हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा पीछे जो है घर दिखा दे किस तरीके से यहाँ पर घर जो है पूरी तरह से बरसात में टूट गया है फुरकान का। और फुरकान के माता पिता पहले ही देहांत हो चुके हैं, यतीम है पूरी तरीके से, घर में कोई गार्जियन नहीं है। एक बूढ़ी दादी है उनकी, वही गार्जियन है यहाँ पर। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या नॉलेज है इनको और क्या मांग करते हैं। क्या नाम है चाची, क्या कैसे बताइए? हमारी नाम जी मैं मुन्नीसा। क्या हुआ बताइए थोड़ा सामने उधर देख के जी बोला ना। क्या हुआ था कल? क्या कल हम न देख लिया बाबू, हम तो पोरी रही जी। अब उस उम्र बाजारे में का भेला ना भेला मारपीट तो हुआ हॉस्पिटल में ना जी हॉस्पिटल। क्या पोजीशन है फुरकान का? फुरकान का न देखे के लिए बड़ी हालत खराब है। आ वही किना से बड़ी हालत खराब है। अब केना दिन में रख है तो ऑपरेशन भेल है। आ हूँ घर है न बउआ देखो देखो न एक ठू मरैया रहे का एक ठू बहु से गिरे वाला उ जमाने का है तो का चाहिए। क्या हुआ बताइए? बहुत मारी से बेकम्मा कद के मारी से इंसाफ करिए इंसाफ करिए बउआ उ न काम करे वाला है न धंधा करे वाला है ई क दी से निकम्मा क दी से निकम्मा क दी से क दी से बहुत किना से ई क के मारी से उ तो बेकम्मा बिया है काम करे वाला है न का किना से हमरे ई करिए अब तो हमरे टू और तीन सवन है आँ हम कहाँ से खेबा कहाँ से पीबा कहाँ से का करेबा आँ गो पता पोती है तीन गो पता हाँ तीन गो। अच्छा, आपको पता लगा था उस समय? कौन बोला था आपको आके कैसे ऐसे मार दिया पुलिस वालों ने? पुलिस ने मार दिया लोगे सब कहीं से लोग सब कह इसकी पुलिस से मार दिया है सब जान है कि मार दिया पुलिस पुलिस मारा है पुलिस मारी से बहुत बेकम्मा क के मारी से बेकम्मा क के बेकम्मे के लाख न है वो बच्चा कमाबे वाला न है कैसे का हुई है फांसी चाहिए। फुरकान की दादी थी मैमून निशा ठीक से बात भी नहीं कर पा रही, सदमा इतना लगा हुआ है कि कैमरे पर सही से बात नहीं कर पा रही। गरीबी का इतना आलम है, मैंने पीछे दिखाया आपको घर इस तरीके से पूरा गिर गया है। गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, अपने रिश्तेदार को ट्रेन में छोड़ने जाते हैं, इनको क्या पता होता है कि जीआरपी की जो पुलिस है उनके हम भेंट चढ़ जाएंगे, उनके हत्थे चढ़ जाएंगे और इस तरीके से गुंडागर्दी का नंगा नाच होगा, स्टेशन पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा और कोई भी पुलिस मुलाजिम हो या स्टेशन मास्टर हो या स्थानीय लोग हो वो छुड़ाने की या बचाने की या सच बात बोलने की जरूरत नहीं करते हैं। लगातार मिलर टाइम्स पर पूरा अपडेट जो है आपको दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का मांग है कि जो पुलिस के जवान ने मारपीट किया है युवक से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जैसे अलग अलग विभाग में और अलग अलग जिलों में पुलिस की बर्बरता सामने आती है, लगातार वीडियो वायरल होता है, ऐसे मनोबल बढ़ता जाएगा और जो आम नागरिक है जिसको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वही अगर भक्षक बन जाए तो फिर नागरिक का सुरक्षा कैसे होगा। मिलर टाइम्स की टीम इस वक्त सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर है और कल देर शाम जिस तरीके से जीआरपी पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया था, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे। फुरकान नाम के युवक को ट्रेन में चढ़ाने के लिए जब वो अपने रिश्तेदार को आए थे उनको बुरी तरीके से पीटते हैं और पीटने के दौरान उनका पेट फट जाता है, पेट में जो आँत होता है छोटी आँत वो बाहर आ जाती है, हालात सीरियस हो जाता है। स्थानीय लोग यहाँ पर आके हल्ला हंगामा करते हैं, युवक को बेहतर इलाज के लिए PSC ले जाया जाता है, उसके बाद युवक को SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गोलमाल कर रही थी रेल पुलिस जो है। सीतामढ़ी टाइम्स और मिलर टाइम्स पर जब खबर चला, खबर चलने के बाद जो वीडियो थी जो असल मार पिटाई की वीडियो वायरल हो रही थी वो वीडियो चला, रेल SP ने जब वीडियो देखा उसके बाद पूरे मामले का स्थिति साफ हुआ, साफ के बाद उस पर कार्रवाई की गई है। जो दोनों पुलिस मुलाजिम थे दोनों को निलंबित कर दिया गया है और जाँच के लिए टीम गठित की गई है। DSP रेल समस्तीपुर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आज सुबह से ही जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद आखिर क्या कार्रवाई होती है, कार्रवाई की रिपोर्ट जो है आपको अलग अलग माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार कल से जो है
वो घटनास्थल से रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फुरकान नाम का युवक सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी प्रखंड के बगल में गाढ़ा में घर है उनका, और वो जो है अपने साथी को छोड़ने के लिए मुंबई जाने एक ट्रेन में बैठाने आते थे, उसी दौरान किसी यात्री से बहस हुई, जैसा रेलवे पुलिस बताती है। यात्री से बहस हुई, उसके बाद जीआरपी पुलिस आती है और जीआरपी पुलिस के दो मुलाजिम दोहत्थी लाठी से फुरकान नाम के युवक को पीटने लगते हैं और पीटते पीटते उनको इतना मारा जाता है, पेट का आँत जो है उनका फट कर बाहर निकल जाता है। उसके बाद आनन फानन में उसको पीएससी भर्ती कराया जाता है, पीएससी के बाद बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेजा जाता है, उसको इलाज जो है अभी चल रहा है फिलहाल। स्थानीय लोग बताते हैं कि पूरा विवाद जो है उत्पन्न सीट बेचने को लेकर हुआ था। यहाँ पर जो है स्थानीय जीआरपी के मुलाजिम हैं, वो एक दूसरे से सीट यहाँ पर जो है बेच देते हैं और जब दूसरे लोग आते हैं वो आपस में झगड़ने लगते हैं। पूरा विवाद सीट बेचने को लेकर के हुआ था। यहाँ पर जो टीम जाँच करने के लिए आई है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा विभागीय जाँच हो रही है, जाँच के बाद जो वरीय अधिकारी है वही आपको रिपोर्ट दे सकेंगे। तो जो अपडेट होगा वो मिलिटांस पर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर वरीय पदाधिकारी और डीएसपी रेल जो है वो जांच करने के लिए आए, जो रिपोर्ट होगा वो अपडेट आपको दिया जाएगा। जो लोग मिलिटांस देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा।